आइए अब हम देखते हैं कि भारत में फुटकर व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं जो भारत है अभी विकसित देश नहीं है, अभी ये विकासशील देश है। अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है ना। तो इस वजह से ग्रामीण इलाकों में कहें या हम कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में भी कहीं ना कहीं गरीबी अभी भी हमारे देश में विद्यमान है, जिस वजह से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना फुटकर व्यापारियों को करना पड़ता है। एक स्टेटमेंट देखते हैं जो कि राष्ट्रीय साख परिषद के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हुई है। उनके अनुसार वर्तमान में फुटकर अर्थव्यवस्था सबसे अधिक कमज़ोर कड़ियों में से एक कड़ी है। और अब इस स्टेटमेंट को जानने के बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से या कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि फुटकर व्यापारियों को झेलनी पड़ती हैं या उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ समस्याएं। पहली समस्या है पूंजी का अभाव। बिल्कुल सही बात है, चूँकि हमारा देश गरीब है या हम कह सकते हैं यहाँ पर गरीबी अभी भी विद्यमान है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर जो फुटकर व्यापारी हैं उनके पास कहीं ना कहीं अभी भी पूंजी का अभाव पाया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि उन्हें अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में, उसका विकास और विस्तार करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस पूंजी के अभाव में अब चूंकि हम जान रहे हैं कि जब फुटकर व्यापारी जो है वो उधार में कई बार अपने उपभोक्ताओं को वस्तु देता है, तो इस स्थिति में कई बार उनको हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो पूंजी का अभाव, दूसरा कस्टमर से भी उनको नुकसान हो रहा है। तो इन स्थितियों में उनको एक बहुत बड़े लॉस को झेलना पड़ता है, जिससे कई बार उनका ये व्यापार जो है डगमगा जाता है या बंद हो जाता है। तो पहला जो बिंदु था या जो पहली समस्या थी वो थी पूंजी का अभाव। दूसरी हम समस्या की ओर चलते हैं, दूसरी समस्या है यातायात व संदेश वाहन का अभाव। यातायात व संदेश वाहन का अभाव कैसे होगा? अभी कस्टमर को या उपभोक्ता को किस वस्तु की आवश्यकता है और वो वस्तु उस जगह तक कैसे पहुंचेगी? स्पेशली ये केस देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की दुकानों को अगर सोचें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की शॉप्स अगर बंद भी गई हैं, लोगों ने खोल भी ली हैं, तो वहाँ तक माल कैसे पहुँचेगा, कितने दिनों में पहुँचेगा? अगर लोगों को वहाँ उन चीज़ों की आवश्यकता है तो क्या उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो जितनी निर्धारित समय में उनको कहा गया है कि आपको एक हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा, क्या वो वस्तु वहाँ तक पहुँच पाएगी और क्या वो वस्तुओं से रिलेटेड जानकारी वहाँ तक पहुँच पाएगी, उसके बाद वो वस्तु सुरक्षित जो है कस्टमर तक पहुँच पाएगी? तो ये सारी जो समस्याएँ हैं ये यातायात और संदेश वाहन के अभाव में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर बात आती है वैधानिक औपचारिकताओं की। ये जब हम बात करते हैं गेहूं विक्रय, चावल विक्रय और इसके अलावा तेल विक्रय, तेल में हम बात कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल और इस प्रकार के तेलों की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं की बात आती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के विक्रय के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब जब हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो लाइसेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कितने प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, ये पूरा शासकीय वर्क हो जाता है। तो ये जो लंबा प्रोसेस होता है इस वजह से भी क्या होता है, फुटकर व्यापारियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु कहता है कर्मचारियों का अनुचित व्यवहार। हम यहाँ पर बात करेंगे शासकीय कर्मचारियों की, जो कि अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं और फुटकर व्यापारी को कहीं ना कहीं ये तंग करते हैं या किसी प्रकार से उन्हें इस प्रकार प्रताड़ित होना पड़ता है कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि क्या हमारा व्यापार करने का जो निर्णय है वो सही है या नहीं है। ये केवल बिंदुओं को समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, मेरे स्वयं के विचार ये नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला बिंदु है आधुनिक विक्रय कला के ज्ञान का अभाव। जैसे कि आप जानते हैं कि कस्टमर या उपभोक्ता जो है ये बहुत ही आधुनिक हो चुका है, उसे अलग अलग तरीके से आकर्षित करना, साथ ही साथ उसको प्रभावित करना बहुत मुश्किल हो गया है।
हम ग्रामीण इलाकों में देखें या कुछ इलाकों में देखें तो वहाँ पर जो स्टोर कीपर होता है या सेल्समैन होता है उसे वो कला आती ही नहीं या उसके पास वो कौशल होता ही नहीं कि वो अपने कस्टमर या उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सके या अपने कस्टमर्स को प्रभावित कर सके, जिससे कि वो कस्टमर जो हैं उन वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो, प्रभावित हो और उसे खरीद सके। तो इस तरह के कारणों की वजह से भी जो है फुटकर व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके व्यापार में। अगला बिंदु आप देख रहे हैं जनता का अशिक्षित होना। यहाँ पर हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश में जो है बड़ा भाग जनता का अशिक्षित है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, जिस वजह से फुटकर व्यापारियों को उनको बहुत डिटेल में उनकी बातों को समझाना पड़ता है, साथ ही साथ उनकी बातों को समझने को भी उन्हें समय लगता है। हम एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर हम ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, वहाँ पर अक्सर लोग अशिक्षित होते हैं, वहाँ पर वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में या वहाँ की लोकल भाषा में अगर उन व्यक्तियों को कुछ बताते हैं तो ठीक है, लेकिन यही बात अगर मान लो वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में वो व्यापारी अगर उन लोगों को बताए और उनको ये टेक्निकल टर्म्स समझ ही ना आए तो इस तरह से व्यापार पॉसिबल है क्या? नहीं। मान लीजिए एक बहुत ही ग्रामीण व्यक्ति जिसे फ़ोन की आवश्यकता है, ठीक है, अब क्योंकि उसके इलाके में सब जगह फ़ोन है तो उसे फ़ोन की आवश्यकता है, अब इस फ़ोन को चलाना कैसा, वो फ़ोन लेने गया, अब फ़ोन को चलाने के लिए जब वो फुटकर व्यापारी उसको फ़ोन के बारे में बताएगा तो सोचिए उस फ़ोन को चलाने के लिए उसे कितनी देर उसे उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं वो सामने आती हैं, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो बिंदु है वो है क्रय शक्ति का अभाव। अब क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर, आज भी हमारे देश में निर्धनता बनी हुई है, लोग जो है अपनी जीविका को चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो लग्जूरियस लाइफ है ना या लेविश लाइफ, मतलब आराम से जीवन, सुकून से जीवन जीना सोच ही नहीं सकते या बहुत अच्छे से खर्च करना सोच ही नहीं सकते, तो यहाँ पर जो है उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। और जैसे ही क्रय शक्ति कम हो जाती है ये समस्या उत्पन्न होती है फुटकर व्यापारियों के व्यापार करने में। फिर अगला बिंदु इसमें आता है डूबत ऋण की समस्या। डूबत ऋण की समस्या, जैसे कि हम अभी तक जानते आए हैं कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो अपने उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, वो अपने उपभोक्ताओं को उधार पर वस्तुओं को क्रय करने के लिए अनुमति देते हैं, ठीक है, या उनको वस्तु विक्रय कर देते हैं, तो ये उधार विक्रय जो धन होता है वो कभी कभी डूब जाता है, कभी कभी वो उपभोक्ता वस्तु तो ले जाते हैं लेकिन वो जो पैसे या वो धन जो उन्हें वापस फुटकर व्यापारी को देना है वो उन्हें नहीं कर पाते क्योंकि वो निर्धन है और उनके पास पैसे नहीं। तो इस स्थिति में ये समस्या भी आती है कि डूबत ऋण की समस्या का सामना भी किसे करना पड़ता है, फुटकर व्यापारियों को करना पड़ता है। और अब अंतिम समस्या की ओर चलते हैं, जो अंतिम समस्या है वो माल संग्रह का अभाव। अब फुटकर व्यापारी भी स्वयं में एक व्यापार चला रहा है लेकिन वो बहुत बड़ा कोई पूंजीपति नहीं है या बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं या बहुत शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति नहीं है, उसके पास भी जो पूंजी है वो लिमिटेड मात्रा में है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसके पास भी माल को संग्रह करने के लिए एक बहुत बड़े स्थान का अभाव होता है, जिससे कि कई बार क्या होता है उसे माल को इकट्ठा करने में तथा समय पर उसके पास माल ना होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और माल को इकट्ठा करने में समय भी लगता है। तो ये जो कुछ समस्याएं थी जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं या स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन समस्याओं का सामना भारत में फुटकर व्यापारियों को करना पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं कि इन समस्याओं को किस तरीके से हल किया जा सकता है या इसके लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। जैसे कि आपने पूंजी का अभाव देखा था, तो पूंजी की समस्या के समाधान के लिए सरकार को ऋण व सुविधा, ऋण की जो सुविधा होती है उसका विकास करना चाहिए, जिससे फुटकर व्यापारियों को मदद मिले और उनका व्यापार का विस्तार हो सके। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमने जो दूसरी समस्या देखी थी वो थी यातायात व संदेश वाहन का अभाव, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं कि यातायात और संदेश वाहन को अगर सरल बनाया जाए तो वो फुटकर व्यापारियों को मदद कर सकता है। फिर बात हुई थी तीसरी,
जो हमारी समस्या थी वो वैधानिक औपचारिकताओं की थी। तो यहाँ पर अगर वैधानिक औपचारिकताओं को भी सरल कर दिया जाए तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, फुटकर व्यापारियों को समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। फिर बात आई थी चौथी समस्या की कि कर्मचारियों का अनुचित व्यवहार, तो जो जितने भी भ्रष्ट शासकीय अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होना चाहिए, अधिकारी या कर्मचारी दोनों के विरुद्ध क्या है कार्यवाही होनी चाहिए। फिर बात आती, हमने बात की थी आधुनिक विक्रय कला के ज्ञान का अभाव, तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं या उपभोक्ता हैं उनको नई नई वस्तुओं के बारे में ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, उनकी रुचि को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आई थी जनता का अशिक्षित होना, ये एक समस्या थी, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जनता को अगर हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो इससे शिक्षित व्यक्तियों का विकास होगा, साथ ही साथ व्यापारियों फुटकर व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट या अगला समस्या थी कि क्रय शक्ति का अभाव, अब यहाँ पे क्या हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में जब लोगों को या लोगों को जैसे ही रोज़गार मिलेगा उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ये जो समस्या है वो अपने आप ही सुलझ जाएगी। इसके अलावा और भी कई सुझाव हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं कि सरकारी गोदाम का विकास होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और फुटकर व्यापारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो कुछ ये सुझाव थे जिनको अगर पाला जाए या जिनका पालन किया जाए तो फुटकर व्यापारियों को जो समस्याएं आ रही हैं उनका जो है हल निकाला जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं फुटकर व्यापारियों के प्रकारों को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे प्रकार के व्यापारी आपने देखे हैं। यहाँ पे एक आपको चने वाला दिख रहा है जिसने कि एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, इसके अलावा एक ठेला दिख सकते हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्फ़ के गोले मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप आगे एक पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति नीचे बैठकर जूतों के अलग अलग वैरायटीज़ को उसने उसकी प्रदर्शनी जैसे लगाई हुई है और उसे वह विक्रय कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार में जिस तरीके से सब्जी वाले बैठे होते हैं वो भी एक प्रकार के फुटकर व्यापारी की तरह ही कार्य करते हैं। तो ये फुटकर व्यापारियों के अलग अलग छोटे छोटे मैंने एक उदाहरण के माध्यम से पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाएं कि इस प्रकार के व्यापारी होते हैं। अब फुटकर व्यापार के प्रकार को जानते हैं और इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए देखते हैं फुटकर व्यापार के प्रकार को दो भागों में विभक्त किया गया। पहला है भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी और दूसरा है स्थानीय दुकानें। आइए देखते हैं भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी कौन है। पहला इसमें आता है फेरी वाले व्यापारी, फिर आते हैं अर्धस्थायी या चलते फिरते व्यापारी, उसके बाद आते हैं पटरी वाले व्यापारी, फिर आते हैं साप्ताहिक बाज़ार। अब अगर हम दूसरे भाग में आते हैं, हम स्थायी दुकानों की बात कर रहे थे, उस भाग को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें पहला भाग जो है वो है लघु स्तरीय छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारियों का भाग, और जो दूसरा भाग है वो है दीर्घ स्तरीय या बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारियों का भाग। इसमें जब हम लघु स्तरीय में देखते हैं तब यहाँ पर सामान्य स्टोर की बात करते हैं, एकल उत्पाद दुकानों की बात करते हैं, एकल रेखीय स्टोर की बात करते हैं, लकड़ी के खोखों की बात करते हैं, पुराने माल की दुकानों की बात करते हैं। उसी तरीके से अगर हम दीसरी में बात करें तो यहाँ पर विभागीय भंडार, सुपर बाज़ार, मॉल्स, श्रृंखलाबद्ध अथवा बहुसंख्यक दुकानों की बात करते हैं, या हम इसमें डाक द्वारा व्यापार की बात करते हैं और साथ ही साथ उपभोक्ता सहकारी भंडार की बात करते हैं। तो ये हम इनको डिटेल में जानेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी की ओर चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी वे व्यापारी होते हैं जो घूम घूम कर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। आपने अक्सर उन वेंडर्स को देखा होगा जो हमेशा अपना छोटी सी दुकान या छोटा सा ठेला लगा कर, कह सकते हैं सही भाषा में, वो घूमते हैं। आपने उस गुपचुप वाले को भी देखा होगा जिसने
एंगल वाइज ऐसे क्रॉस में जैसे कि आप देख रहे हैं वो गुपचुप बेचता है, या चना चटपटे वाले को देखा होगा जिसको देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है, मेरे भी आ गया। तो इस तरह के व्यापारियों को हम जो है भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी कहते हैं। ठीक है, अब हमने भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों को देख लिया, अब इनकी विशेषताएं जानते हैं। इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला है व्यापार की आसान स्थापना। दूसरी चीज़ होती है इनकी व्यापार में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ है कि इनसे नकद विक्रय करना पड़ता है, या ये नकद विक्रय करते हैं, सही भाषा ये होगी। और चौथी, ग्राहकों को व्यक्तिगत संपर्क इनका मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों की। आइए हम इनके जो प्रकार हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है फेरी वाले व्यापारी। ऐसे व्यापारी जो कि फेरी करके अपने वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर वो चादर वाले बेचने आते हैं, या साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ ले लो, या फिर स्टील के बर्तन कुछ ले लो, कुछ साड़ियों को दे करके, या शर्ट पैंट दे करके, या सूट ले लो, या इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो है हम कह सकते हैं कि कई बार छोटे से ठेले पर बहुत सारे श्रृंगार के सामान के साथ खिलौनों का ठेला लगा करके आते हैं। आपने ये सब जो इस तरह के फेरी वालों को देखा हुआ है, तो ये जो हैं, ये जो होते हैं फेरे वाले व्यापारी होते हैं। ये फेरी लगा करके अपना व्यापार करते हैं। फेरी लगाना मतलब घूम घूम कर व्यापार करना। दूसरी चीज़, यहाँ पे बात आती है अर्धस्थायी या चलते फिरते व्यापारियों की। ये भी क्या करते हैं, ये चलते फिरते व्यापारी होते हैं, और जहाँ पर इन्हें अपने उस ठेले को या अपने उस छोटी सी दुकान को लगाने का मौका मिलता है, वहाँ पर लगा करके, जैसे कि आप देख सकते हैं जो चौक होते हैं रास्तों के चौक में, वो छोटा सा ठेला या छोटी सी दुकान लगा करके वो वहाँ बैठते हैं और वहीं पर अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो ये अर्धस्थायी होते हैं, मतलब अगर वहाँ से उनको हटना पड़ा तो वो तुरंत अपना सब कुछ समेट कर, व्यापार से रिलेटेड जितना भी सामान है उनका समेट कर, वो दूसरी जगह अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। तो अर्धस्थायी इन्हें इसीलिए कहा जाता है। फिर बात आती है पटरी वाले व्यापारियों की। ये वे व्यापारी होते हैं जो सड़कों के किनारे सामान को लेकर अपने बैठे होते हैं, वस्तुओं को, और उनका विक्रय करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि सॉफ्ट टॉयज़ की अक्सर छोटे छोटे फेरी वाले आपने देखे होंगे, कि आप जब कभी बड़े टूर पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे जो सॉफ्ट टॉयज़ क्या होते हैं, टेडी बियर या ऐसे छोटे छोटे नरम नरम कपड़ों के फर के कुत्ते बने होते हैं, शेर बना होता है, हिरण बना होता है। तो इस तरह के आपने पटरी वाले व्यापारी देखे होंगे, या आप उसको भी और अच्छे से समझ सकते हैं कि सड़कों के किनारे जो सब्जी वाले बैठे रहते हैं, या अपने छोटे छोटे फलों की दुकान लगा करके फलों को बेचते हैं, ये जो होते हैं पटरी वाले व्यापारी होते हैं। इसके बाद जो अंतिम भ्रमणकारी व्यापारी हैं वो है साप्ताहिक बाजार व्यापारी, जिसे हम हाट व्यापारी भी कहते हैं। बाजार हाट के समय जब साप्ताहिक बाजार लगता है उस समय ये व्यापारी आते हैं वहाँ पे अपने छोटे से एरिया में अपना तंबू गाड़ करके या किसी भी तरीके से अपने एरिया को कवर करके फिर वहाँ पे अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं और उनको विक्रय करते हैं। इन्हें में हम सब्जी वालों को भी ले सकते हैं, श्रृंगार वालों को भी ले सकते हैं, अचार पापड़ वालों को भी ले सकता है, जूते चप्पलों वालों को भी ले सकते हैं। ऐसे कई ऐसे छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं जो इस साप्ताहिक बाज़ार में व्यापार करते हैं। तो बच्चों, ये जो थे भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी के प्रकार थे। आइए अब हम इनसे फेरी वाले हैं उनको होने वाले लाभों को देखते हैं। जो सबसे पहला लाभ है, कम पूंजी की आवश्यकता, जो पहला बिंदु है वो ये कहता है। तो बिल्कुल सही बात है, इन व्यापारियों को अपने व्यापार को शुरू करने में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी मात्रा में व्यापार करते हैं और उनके पास जो स्टॉक भी होता है वो कम मात्रा में होता है, तो वहाँ पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगला लाभ देखते हैं वो है सुविधाजनक। बिल्कुल ये सुविधाजनक होता है, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के व्यापार को करना चाहे तो वो इस प्रकार के व्यापार को कर सकता है। दूसरी चीज़, इस प्रकार के व्यापार में क्या होता है कि एक व्यापारी होता है अपने व्यापार को एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकता है। फिर बात आती है सरलता की,
ये व्यापार बहुत ही सरलता से प्रारंभ भी किया जा सकता है और अगर इसको मैं लगता है इसे बढ़ाया जाए तो बढ़ाया जाता है। इसी तरह हम लोच की बात करें जो कि इसका चौथा बिंदु है जिसे हम फ्लेक्सिबल इंग्लिश में कहते हैं, तो अगर व्यापार अच्छा चल रहा है तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है और अगर ऐसा लग रहा है व्यापार नहीं चल रहा है तो उस व्यापार को परिवर्तित करके दूसरे तरीके के व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो थे वो कुछ लाभ थे। अगर इनमें हम अन्य लाभों को देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। एक कुशल विक्रेता अपनी माल की बिक्री को आसानी से बढ़ा लेता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, पर्याप्त मितव्ययता पाई जाती है इसमें। तीसरी बात, ग्राहकों को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान कर संतुष्ट करता है। और चौथी बात, जोखिम की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार से हमने फेरी वाले व्यापारियों से जो लाभ होते हैं या उनको जो लाभ होते हैं उनके बारे में जाना। आइए अब हम देखते हैं ये जो फेरी वाले होते हैं इनको होने वाले दोष कौन से हैं। फेरी वाले से प्राप्त होने वाले दोष, सबसे पहले छल कपट का भय। सीधी सी बात है, अगर आपने कोई वस्तु खरीदनी है और अगर उनसे आप लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इनसे छल कपट का भय होता है कि वस्तु आप जो खरीद रही हो सकता है कि उस वस्तु की कीमत उतनी ना हो या वस्तु ही गलत हो, ठीक है। या अगर आपने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए और कहा कि मैं इसको आकर के बाद में ले जाती हूँ, आप इसको अपने पास स्टॉक रखिए, मैं बाकी दूसरा सामान लेकर के लास्ट में आऊँगी, तब तक पता चला वो व्यक्ति ही गायब हो गया वहाँ से। तो इस प्रकार के फेरी वालों से पहले प्रकार का भय होता है। दूसरा, अधिक मूल्य का। अगर हम मार्केट में कंपेयर करें तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास जो उपलब्ध वस्तुएँ हैं मार्केट के प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे या कीमतों पर वो कई बार बेचते हैं। तीसरी बात है, अनुपयुक्त। बिल्कुल उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी आपको मार्केट में मिलेगी या किसी स्टोर में मिलेगी, तो यहाँ पर वो वस्तुएं अनुपयुक्त भी कई बार हो जाती हैं, उनकी क्वालिटी भी कई बार अच्छी नहीं होती। फिर बात आती है कम बिक्री की, क्योंकि ये वस्तुएं अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, ट्रस्टवर्दी नहीं होते या उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ ये कई बार अधिक मूल्य भी ले लेते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि इन व्यापारियों की जो बिक्री होती है वो कम होती है। फिर बात आती है अन्य हानियों की। अगर अन्य हानियों को देखें तो वो कुछ इस प्रकार है, इनके पास वस्तुओं को संग्रह करने का प्लेस नहीं होता या जगह नहीं होती है, संग्रह नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, व्यापारिक अनुभवहीनता की वजह से क्या होता है, इनके पास निम्न कोटि की वस्तुएँ आती हैं। तीसरी, ग्राहकों में विश्वास जमाने में ये असफल हो जाते हैं। चौथी चीज़, व्यापार छोटी छोटी वस्तुओं तक सीमित होता है, व्यापार अधिक लाभदायक नहीं होता है और यह व्यापार भारी व बहुमूल्य किस्म की वस्तुओं के लिए अनुपयुक्त होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पहले प्रकार को भ्रमण करने वाले फुटकर व्यापारियों के बारे में जाना और साथ ही साथ उनके प्रकारों के बारे में जानते हुए उनके लाभ और उनसे होने वाली हानियों को जाना। बच्चों, आइए फिर से हम क्लासिफिकेशन को एक बार देखते हैं जो कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपने जो इस तरफ वाला पोर्शन है उसे जान लिया, जिसे हमने भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों के बारे में डिटेल में जाना और उनके कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना। आइए हम इसके दूसरे भाग की ओर चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है स्थायी दुकानें यानी फिक्स्ड शॉप्स। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, फिक्स्ड शॉप्स जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं या इन्हें दो भागों में विभक्त किया जाता है, ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बोलने का। एक तो होता है लघु स्तरीय और एक होता है दीर्घ स्तरीय, अर्थात स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स हम कह सकते हैं इसे। अगर हम इन स्थायी दुकानों को देखें तो ये जो होती हैं भ्रमणकारी या फुटकर व्यापारी या इन फेरी वालों से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। फुटकर व्यापारियों के बारे में, जो भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों के बारे में हमने चर्चा की, उसमें आपने ये जाना कि ये जो फेरी वाले होते हैं, ये जो फुटकर व्यापारी फेरी वाले होते हैं, ये अपने साथ अपने जो छोटी छोटे ठेले हैं या अपने कंधों पर अपने सामान को लेकर घूमते हैं, फेरी लगाते हैं और इस तरीके से अपना व्यापार करते हैं। लेकिन हम जब फिक्स्ड शॉप्स की बात कर रहे हैं, स्थायी दुकान जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह के कुछ स्थायी दुकानें पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो दुकानें होती हैं फिक्स्ड होती हैं, ये पूरी तरीके से लीगल होती हैं, मतलब इनका भूमि का पट्टा या रेंट पे हैं तो लीज़ के सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर खुद का है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है दुकानदार के पास, व्यवसायी के पास या व्यापारी के पास अवेलेबल होते हैं।
या इस स्थायी दुकानों के बारे में जाने, तो ये जो स्थायी दुकानों की अगर विशेषताओं को समझे तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हो सकती हैं कि जो स्थायी दुकानें हैं इनके पास जो होती हैं फेरी वालों की अपेक्षा या फुटकर व्यापारियों की, फुटकर मतलब भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उनकी स्थायी दुकानें होती हैं, तो कंपैरेटिवली क्या होता है कि फुटकर व्यापारियों के पास थोड़ा सामान हो, क्योंकि वो अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं या ठेले पे लेके चल रहे हैं, तो वो उतना ही सामान रखेंगे जितना वो कैरी कर सकते हैं या जिनको वो लेकर के घूम सकते हैं। लेकिन जब हम स्थायी दुकानों की बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि उनको एक एरिया है उनके पास जहाँ पर वो व्यवस्थित रूप से अपनी वस्तुओं को रख सकते हैं, तो यहाँ से बार बार उनको उठकर स्विच करने की या इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उपभोक्ता या कस्टमर होंगे वो स्वयं इन दुकानों में आएंगे, तो इनके पास प्रॉपर भंडारण की भी जगह होती है, रख रखाव के अच्छे संसाधन होते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पाद की वैरायटीज़ रखते हैं या कुछ उत्पादों में ये व्यापार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अगला इसका इसकी विशेषता हो सकती है कि ये जो विभिन्न वस्तुओं में व्यापार करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो स्थायी दुकान में बहुत सारी वस्तुओं में व्यापार होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्थायी दुकान दिख रही है आपको आपके स्क्रीन पर, इसके हम डिफरेंट शॉट्स आपको दिखाएंगे। इस दुकान में कुछ शेल्स में कपड़े धोने के साबुन या बर्तन धोने के साबुन या नहाने के साबुन रखे हुए हैं, मतलब ये इन ऑल टोटल आप कह सकते हैं बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें। कुछ दूर पर आप जाते हैं तो देखते हैं कि उसी दुकान में वहाँ पर जो है कुछ खाद्य उत्पाद रखे हुए हैं, फिर अगर आप जाएं तो वहाँ पे स्नैक्स रखे हुए हैं, फिर अनाज भी रखे रहते हैं, साथ ही साथ अगर आप देखें तो बच्चों से रिलेटेड बच्चों के हेयर ऑयल शैम्पू, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों में ये जो स्थायी दुकानें हैं वो व्यापार करती हैं। अब अगर हम देखें इसकी अगली विशेषता की ओर गौर करें, तो अगली विशेषता स्थायी दुकान की ये भी हो सकती है कि जो स्थायी दुकान होती है उनमें ग्राहकों में इनकी अधिक साख होती है, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्टली इनसे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं जुलते हैं और इनका एक टर्म बन जाता है, अच्छा हेल्दी टर्म या अच्छा बॉन्ड बन जाता है, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ये और अपने ग्राहकों को सुविधा देते हैं कि साख सुविधा के साथ साथ वो घर पहुंच सुविधा जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। जहाँ पर हमने भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों को देखा था कि ये लोग जो होते हैं नकद में व्यापार करते हैं हमेशा, और इनमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उन पर बहुत विश्वास नहीं किया जाता, इसके विपरीत क्या होता है, जो स्थायी दुकानें होती हैं वो लोग इस तरीके के उत्पादों को रखते हैं ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी रहे और कस्टमर जो है हमेशा आता रहे, उपभोक्ता हमेशा आते रहे, उनके साथ उनका व्यापार चलता रहे और व्यवहार चलता रहे, साथ ही अपने ग्राहकों को नकद के साथ साथ उधार में भी उनके साथ व्यापार करते हैं या व्यवहार करते हैं। तो ये जो थी वो कुछ विशेषताएं थी स्थायी दुकानों की। अब स्थायी दुकानों के प्रकार को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एक एक करके। आइए, आपकी स्क्रीन पर जो हम पहला देखेंगे, जो हम पहला जो विभाग हम देख रहे हैं वो लघु स्तरीय व्यापार के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसे हम स्मॉल स्केल रिटेलर्स कहते हैं। तो जब हम लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी की बात कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार की दुकानें आती हैं। जो पहली आप देख रहे हैं वो है सामान्य स्टोर, बिल्कुल सामान्य स्टोर, जो आपके घर के पास किराने की दुकान होगी जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, टूथपेस्ट से लेकर के साबुन से लेकर के हेयर ऑयल से लेकर के शैम्पू, चिप्स, कुरकुरे, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल होंगे, बटर, चीज़ है ना, ब्रेड, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, है ना। तो ये जो स्टोर होते हैं वो आपके घर के पास कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं और आपको अपने डेली नीड से रिलेटेड, चाहे वो अंडे हो कुछ भी हो, आपको इन दुकानों पर मिल जाते हैं। यहाँ कई बार आपको आपकी आवश्यकता के रुमाल भी मिल जाते हैं, जुराबे भी मिल जाती, मतलब वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके डेली नीड्स में आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास उपलब्ध हो जाती है। तो ये सामान्य स्टोर हो गया। फिर बात आती है एकल उत्पाद दुकानें। अब इन दुकानों को हम एक ऐसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम कपड़ों की दुकानों को लेते हैं, अगर हम इन कपड़ों की दुकानों को ही एक तरीके से विभक्त कर दें, मान लीजिए इन कपड़ों में हम केवल चिल्ड्रन गारमेंट रखते हैं, मतलब बच्चों के कपड़े, है ना, किड्स वेयर कह सकते हैं हम इसको, अगर इस तरह के कपड़े वालों की अगर इस तरह की दुकानें हम देखें
जो किड्स फेयर चला रही है, तो ये जो होंगी वो एकल उत्पाद की दुकान है, मतलब ये बच्चों से रिलेटेड कपड़े ही रख रहे हैं, है ना। या हम स्पोर्ट्स में भी देख लें, तो अगर टॉयज़ की दुकानें देखें तो ये एकल उत्पाद दुकान हो गई कि एक रेंज है, एक एज वाइज इन्होंने अपने शॉप को या अपने टारगेट मार्केट को डिसाइड कर लिया है कि भाई हमारा जो टारगेट मार्केट है या जो हमारे कस्टमर या उपभोक्ता होंगे वो इतने से इतने वर्ष तक के होंगे, ठीक है, और उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएँ ये सब हैं। तो ये हो गई एकल उत्पाद की दुकानें। इसमें मान लीजिए कपड़े की दुकानें ले ली या टॉयज़ की दुकानें ले ली, तो यहाँ पर हुई एकल उत्पाद। उसी प्रकार अगर हम इसके तीसरे भाग में चलते हैं, तीसरा खंड कहता है कि एकल रेखीय दुकानें, प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम उसी कपड़े की दुकान की बात करें तो वो किड्स वियर ना हो करके या बच्चों से रिलेटेड ना हो करके वहाँ पर सभी लोगों के कपड़े मिलेंगे, मतलब बुज़ुर्गों के भी मिलेंगे, स्त्री महिलाओं के लिए भी मिलेंगे, पुरुषों के लिए भी मिलेंगे, बच्चों के लिए भी मिलेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने प्रकार की वैरायटीज़ कपड़ों में अवेलेबल होनी चाहिए वो उनको मिल जाएंगी। तो ये जो हुआ एक पूरा प्रोडक्ट लाइन चल रहा है एकल रखी। उसी प्रकार हम जैसे टॉयज़ की बात कर रहे थे, तो जब हम बच्चों के खिलौने की बात कर रहे थे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टोर में ऐसे भी खिलौने हों जहाँ पर बच्चों के खिलौनों के साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स समझते होंगे खेलकूद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जहाँ बड़े बच्चे या खिलाड़ी खेलते हैं उन सारी चीज़ों को एकत्रित करके व्यवस्थित उनको रखा जाए। तो इस तरीके की दुकानों को हम जो है एकल रेखीय दुकानों के अंतर्गत ले सकते हैं। फिर आती है लकड़ी के खोके की बात। ये तो बहुत ही ईजी है, आपने अपने घर के आसपास ये छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी, अक्सर यहाँ पर चाय की दुकानें होती हैं, नाश्ते की दुकानें होती हैं, साथ ही साथ पान ठेले भी आपने कई बार देखे होंगे कि इस छोटी से लकड़ी के खोके में पान की दुकानें भी लगी होती हैं। वहाँ पे आपको अंडे, मक्खन, दूध, ब्रेड, बटर, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो जाती है। डेली नीड्स की भी चीज़ें कई बार इस तरीके की छोटी छोटी दुकानों में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लकड़ी के खोके की दुकान है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो दुकान है वो है पुराने माल की दुकानें। ये जो दुकानें होती हैं यहाँ पर पुराने चीज़ों की बिक्री की जाती है, जिनका जो है मार्केट वैल्यू कह सकते हैं या बाज़ार का जो भाव है बहुत कम होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है और इन वस्तुओं का भी एक अपना मार्केट होता है। तो ये जो है पुराने माल की जो दुकानें हैं उन दुकानों कह सकते हैं, कई बार यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो बहुत ही कम दामों में मिलती हैं, और कई बार ये ऐसी दुकानें भी होती हैं जिन्हें हम एंटिक्स की दुकानें कहते हैं, जो कई बार महंगी भी होती है। लेकिन हम अगर स्थायी दुकानों के इन पुराने माल की दुकानों में बात करें तो यहाँ पर उन छोटी दुकानों के बारे में चर्चा की जा रही है जहाँ पर ये यहाँ वस्तुएं जो हैं बहुत ही कम कीमतों पर, पुरानी वस्तुएं जो कि बहुत कम उपयोग में आती हैं, ऐसी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं।